और ताली का भी देखिए, ताली का भी मॉड्यूलेट हुआ था, ध्यान दिया था, ताली भी मॉड्यूलेट हुई मेरी, जैसा ताल का वजन था वहां ताली जोर से मारी मैंने और बाकी में कम मारी, है ना। रूपक फिर से सुनिएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 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 दो दो के पेयर बना दिए, धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना। दादरा कहाँ गई इसमें, दादरा दिखी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखी, किसी को नहीं दिख सकती ये दादरा के बोल, आपने दो दो में विभाजन कर दिया, ये दो गुण तो है पर दादरा कहाँ है इसमें। संगीत से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का एकमात्र उपाय संगीत धारा SPW एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन से आप घर बैठे लाइव क्लास लेते हुए संगीत सीख सकते हैं। अब इसकी एक अगली एक्सरसाइज यूं करें, इसे रैंडम किसी भी स्पीड में बोलिए। पहले इसको रैंडमली हम अलग अलग स्पीड्स में बोलेंगे, जैसे दादरा बोलना है एक दो तीन चार पाँच छः, 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 क्या करेंगे जगल, है ना, इन्हें स्पीड्स में जगल करेंगे, यानी अलग अलग स्पीड्स में डाल के देखेंगे। पहले रैंडमली, कोई मापदंड नहीं कि दो गुना करना, चार गुना करना, छः गुना करना, नहीं, क्यों, जबान पर बिठाने के लिए छंद को, कि हर लय में यही छंद बना रहे, इस वजह से इसे रैंडमली, ये मेरा अपना सिलेबस है, मैं लय इसी तरह से सिखाता हूँ कि पहले हम ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ताल में इन्वॉल्व कर देंगे, नहीं, डायरेक्ट ताल में इन्वॉल्व करने से क्या होता है, आप रटने लगते हो, तो रटना नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोशिश क्या करें कि रटे नहीं, अपने आप ही माइंड जो है उसे रटे नहीं, कि अभी आपके अंदर ये छह का छंद जो है इस गति में तो बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इसकी दोगुन कराता हूं ना, तो गलती क्या करोगे कि इसका वजन बदल दोगे। क्या गलती होती है वो भी करके बताता हूं। दादरा की दोगुन करने को जैसे ही बोली जाएगी तो कैसे की जाती है, ठा करेंगे तो धा धिन ना, धा तिन ना, और दोगुन करने को बोलूंगा धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना, धा, दो दो के पेयर बना दिए, धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना। दादरा कहां गई इसमें, दादरा दिखी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखी, किसी को नहीं दिख सकती ये दादरा के बोल, आपने दो दो में विभाजन कर दिया, ये दो गुण तो है पर दादरा कहां है इसमें। इस ही वजह से जो इस तरह से तालों को याद करता है ना, वही तबले पे पहचान नहीं पाता है। भाई बात, हम ताल सीख क्यों रहे हैं, ताल पक्ष हमारा है ही क्यों, क्योंकि गायन के साथ तबला बजता है, इस वजह से हम ताल सीख रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि सिलेबस में है तो ये सीखना जरूरी है, नहीं, कोई भी चीज जरूरी है इसीलिए नहीं सीखनी, मकसद क्या है उसका, मोटिव क्या है, मोटिव यह है कि तबले पे पहचानना है, तो तबले पे धा धिन ना धा तिन ना ऐसे कभी नहीं बजेगी, वहां तो हमेशा धा धिन ना धा तिन ना ऐसे ही बजेगी, वजन उसका वही रहेगा, तो हमेशा उसी वजन में हर लय में। अब मैं देखिए, मैं आपको तीन चार लयों में इसी ताल को करके बताऊंगा, लय बदलेगी, गति बढ़ेगी, ताल का छंद नहीं बदलेगा, इसको ऑब्जर्व करना आप, है ना, सुनिएगा कि क्या वजन वही रहता है, धा धिन ना धा तिन ना, 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 धा धिन ना धा दादन 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 दादन। कितनी भी स्पीड में मैंने बोल दिया पर जो वजन एक और चार पर मैं दे रहा था वो हमेशा समान रहा, और क्या समान रहा, ये हिली नहीं अपनी जगह से, अगर ये एक बार सेट कर दी कि 40 पर है या 50 पर है तो ये हमेशा उतना ही इसका बेस बना रहा। ये वही बात है कि आपकी इमारत है भाई, उसकी जो बुनियाद पे पत्थर डाल दिए एक बार, अब उस पर एक फ्लोर बनाया है कि दो फ्लोर बनाया है कि तीन के चार की पांच के छह, ऐसा थोड़ी होगा कि चौथा फ्लोर बनाते ही वो बुनियाद इधर घिसक गई थोड़ी सी, अगर घिसकी तो क्या होगा, गिरेगी नीचे इमारत, है ना। तो इमारत अगर सीधी रखनी है तो बुनियाद के पत्थर मजबूत होने चाहिए, तो बुनियाद का पत्थर क्या है, ये एक गुना, एक गुने की सबसे ज्यादा अहमियत है, जिस प्रकार से समय में एक ही समय है वर्तमान, उसी प्रकार से लय में एक ही लय है एक गुना, और सुर में एक ही सुर है सा,
क्योंकि सा नहीं है तो सा के आगे कैसे जाओगे? सा खिसक गया तो रे बदल जाएगा कि नहीं? अब भी दूरी तो उतनी है ना, अगर सारे और एक सारे और एक सारे कोई सा भी सा लोगे रे उतना ही दूर पड़ता है। तो अगर सा ही खिसक गया गाते गाते, जिसे कहते हैं ना कि गाना गाते गाते पिच चेंज हो गया, ये हो जाता है गाने में। और ये आम इंसान के कानों को मालूम ही नहीं चलता है, उसको तो लगा रे मैं सही तो गा रहा हूं, पर वो जंप जहां आना चाहिए था वो एग्जैक्ट जगह कूदे ही नहीं और कहीं और कूद गए, किसी और पिच पे चले गए। पहली काली से गाते गाते बीच में गाना आपका दूसरी काली से गाने लग गया, आपको मालूम ही नहीं, उसे ही कहेंगे बेसुरा हो जाना। वरना बेसुरा कुछ भी नहीं होता है। बेसुरा क्या है, बेसुरा क्या शब्द है? बेसुरा कुछ भी नहीं होता है, बस जिस सुर से आप गा रहे थे उस सुर पे नहीं रहे, इसीलिए उसे बेसुरा कह दिया, वरना सुर में तो थे, है ना? जो भाई किसी किसी ना किसी सुर में तो हो गए ना, वरना बेसुरा क्या होता? सुर से बाहर जा ही नहीं सकते आप, बेसुरा हो ही नहीं सकते, जहां भी होगे किसी ना किसी सुर में ही होगे ना, बेलय या बेताला। तो भैया बेताला तब कह सकते हैं जब जो ताल चल रही थी उस ताल के बनिस्बत किसी और में चले गए आप, है ना? या बेसुरा, जो सुर चल रहा था साथ ये फ्रीक्वेंसी जा रही थी और आपका सुर यहां बोल रहा है तो बेसुरा कहलाएगा वो, है ना? तो ये जंप्स आपको संभालने होंगे, ये कितने भी आपके लय बढ़ जाए। तो इसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी है? सबसे पहले इन्हीं छंदों को रैंडमली बोलो, है ना? कोशिश करो रैंडमली किसी भी लय में एक बार मुझे छह मात्रा बोल के दिखाओ। जैसे अभी मैंने तीन रैंडम बोले ना, एक दो तीन चार पांच छह, इसमें भी बता दिया यही सेम छंद था, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो, कुछ ताली वाली कुछ नहीं लगानी है, ऐसे ही बोलो एक बार। ताली लगाते ही तो क्योंकि खंड आ गया ना कि ये वाला गुना है, है ना? ताली लगा दिया तो भाई टू डिफाइन समथिंग यू नीड अ पर्सपेक्टिव, ये चीज होती है ना? ये वाक्य ये मैंने बहुत पहले कहा था कि टू डिफाइन समथिंग यू नीड अ पर्सपेक्टिव, वरना हर चीज न्यूट्रल है भाई। धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना, कौन सी लय है कैसे बताओगे? ठा दी नहीं तो बताओगे कैसे कि कौन सी लय थी? चार गुना था कि पांच गुना था, है ना? या ये बोल दिया ये तेज है, अगर इसको तेज बोलते हो धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना, इसको तेज बोलने के लिए आपका बेस क्या था? धा धिन्ना धा तिन्ना, इससे ये तेज है। वरना अगर मेरी ठाई धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना, ये मेरी ठाह थी, एक गुना था, तो ये अभी जो बोला मैंने उससे पहले वो तो स्लो हो गया ना, ठीक है? तो सो टू डिफाइन समथिंग यू नीड अ पर्सपेक्टिव, एक नजरिया चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए कि किस नजर से देख रहे हो, इसीलिए वो नजरिया हमारा ठाह बनता है। तो अभी उस ठाह को नहीं लेना है, रैंडमली किसी में भी बोल के बताओ मुझे, बढ़ाते जाओ और बढ़ाओ, अब देखिए क्या होता है, दोनों चीजें साफ होनी चाहिए भाई। कई बार क्या होता है, लय हमारे यहां तो है, हम चार गुना यहां से तो कर सकते हैं, लेकिन जबान से मात खा जाते हैं कि जबान साफ नहीं थी, वरना तो हो जाता। थियोरेटिकल तो क्लियर है कि भाई चार गुना होता है, एक में चार आता है, ये ऐसे ऐसे जाएगा, लेकिन जबान साथ नहीं देती है, है ना? फिसल जाती है। तो इसीलिए पहले मैं जबान की एक्सरसाइज कराता हूं, ताकि बाद में ये बहाना कोई ना दे सके कि सर वो बोलने में थोड़ा तेज पड़ रहा था, तो लो पहले जबान साफ करो, है ना? इनको पांचों जितने सारे छंद हैं वो सारे के सारे जबान से एक बार क्लियर हो जाए, जबान का फिर बहाना नहीं चलेगा कि वो सर जबान की वजह से हम बोल नहीं पाए, उतना बहुत ज्यादा स्पीड हो रहा था, है ना? तो वो ना हो इसके लिए पहले ही जबान साफ कर लो, तो अपने आप जैसे ही फिर मैं चार गुना या आठ गुना छह गुना कितना भी गुना कराऊंगा, फिर गलती होगी तो सिर्फ लय यहां से समझने में होगी, जबान से कोई समस्या नहीं, ठीक है? फिर से बोलो एक बार, आप सात मात्रा बोलो, कम से शुरू करो फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ रैंडमली, ऐसे ही जैसे वॉल्यूम बढ़ाते ना हल्की 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 हल्की, वैसे स्पीड बढ़ाओ हल्की 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 हल्की, एक लय में रहो थोड़ी देर एक लय में रहो, ताकि वो वजन बराबर आ जाए, क्योंकि दादरा से रूपक में शिफ्ट हुए हो, तो अभी वो शिफ्ट वजन यहां से शिफ्ट नहीं कर पाया अभी तक, है ना? ठीक है, अब देखिए इसी तरह से बाकी कभी आप कर लीजिएगा, है ना? सबको रैंडमली किसी भी लय में एक बार बोल के बस ऐसे बस उसकी जाप करना ही समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि अब मैं इसमें सिंगल घुसाने वाला हूं, इसको बेस बनाने वाला हूं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर जो जो भी बोलोगे तो क्या होगा? विरोधाभास।
यानी कॉन्ट्राडिक्शन, ऑपोजिट जाएगा वजन, ऑफ बीट में वजन पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको पहली एक्सरसाइज कराई थी कि सारी जो जितने छंद हैं उनको बीट में तो बोल के बता दिया था, अब उन सबको ऑफ बीट में बोल के बताओ। ये एक्सरसाइज मैं पहले ही दे चुका हूँ, पहले बीट में फिर वही चीज ऑफ बीट में। एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, है ना। और वो छंद, वो फ्लो, वो टोन, वो बराबर दोनों की सेम रहनी चाहिए। अब नौ मात्रा सुनाइए, उसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के रखिए। इन सारी एक्सरसाइजेस को थोड़ी स्पीड में भी प्रैक्टिस करना। अभी तो मैं आपको स्लो में ही सुन रहा हूं, लेकिन दादरा एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ऐसे भी होनी चाहिए, है ना। और ताली का भी देखिए, ताली का भी मॉड्यूलेट हुआ था, ध्यान दिया था, ताली भी मॉड्यूलेट हुई मेरी, जैसा ताल का वजन था वहां ताली जोर से मारी मैंने और बाकी में कम मारी, है ना। रूपक फिर से सुनिएगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात, 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 एक नौ नौ किया तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक दो, है ना। ये हुआ दस का किया तो एक एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, एक, है ना। गर्दन में जो मेरे झटका आ रहा है वो झटका किस चीज़ का है, वो लय अंदर महसूस हो रही है ना, वो वजन जो है वो अंदर महसूस हो रहा है। जब वो अंदर महसूस होने लग जाए ना तो समझने ना लय आ गई है, अब लय समझ चुके हो। लय जब तक बाहरी है, बाहरी सहारे से जब तक लय समझ रहे हो तब तक लय सीख रहे हो, और जब लय अंदर बस जाए, वो झटका अंदर महसूस होने लगे कि हाँ ये गया वजन, हाँ ये गया वजन। शरीर में जैसे ही अंदर बस जाता है ना कुछ, जैसे ही, इसे कहते हैं कि संगीत में आनंद की जब पराकाष्ठा हो जाती है तो नृत्य जन्म लेता है। संगीत की परिभाषा में गाना बजाना नाचना तीनों आता है। तो जब आनंद की पराकाष्ठा हो जाती है, जब मजा आने की एकदम हाइट हो गई, तब नृत्य पैदा होता है अंदर से, और उसकी भी जब हाइट हो जाती है तो साइलेंस पैदा होती है अंदर से, है ना। ये मैंने लिखा था कि संगीत में अप्रिसिएशन की या संगीत की पराकाष्ठा जो है वो सोलफुल साइलेंस है, शांतिपूर्वक एकदम चुप्पी, है ना। वो जब महसूस होने लग जाए, उस स्टेज तक जाना, तो वो तो बहुत आगे की बात है, उससे पहले नृत्य तो पैदा हो पहले अंदर, तब तो वो नृत्य बंद होगा। अभी नृत्य पैदा ही नहीं हो रहा अंदर, अभी जो सिर्फ यहाँ जा रहा है झटका, कि हम ध्यान दे के बोल रहे हैं हाँ यहाँ वजन आ रहा है, यहाँ वजन आ रहा है ना। क्योंकि जब गाओगे तब ताली थोड़ी लगा रहे होगे, तब तो स्वच्छंद गा रहे होगे ना, तो लय वजन छंद फिर कहाँ समझ आएगा, वो अंदर चल रहा होगा गाते गाते, है ना। तो ये नौ का हो गया, दस का हो गया, बारह का, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक, बीच में बीट पे भी आ गया। ये एक्सरसाइज भी कराऊंगा, पहले पैटर्न में चलो, फिर रैंडमली कभी भी बीच में बीट पे आना है, कभी भी ऑफ बीट चले जाना है ना, पहले हम खेलेंगे उसके साथ। भाई लय के साथ जब तक खेला नहीं तब तक मजा क्या आया, उसके बाद उसे बांटेंगे कि चलो अभी इसे दो गुण में बांट दिया, अभी इसे चार गुण में बांट दिया। बांटने का काम बाद का, पहले रैंडम खेलेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन, तीन मात्रा तो बीट में बोली, बाकी चार ऑफ में बोली, है ना, रैंडमली बांट दिया, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, है ना। ऐसे रैंडम हम क्या करेंगे, ब्लैब करेंगे। जब ये कर लिया तो फिर इसे पैटर्न में डालना बड़ा आसान पड़ेगा, फिर आपको हाँ दोगुन चौगुन कोई मुश्किल नहीं लगेगी, एक ही दिन में सारी लयकारी कर दोगे, है ना। वरना अभी करने गए तो दो गुन आज सिखाई, फिर चार गुन कल सिखाई, पांच गुन अगले दिन सिखाई, मुश्किल पड़ेगी यार, चौगुन हो ही नहीं रही, चौगुन हो ही नहीं रही, फिर चौगुन को सिर्फ खाका देना है, है ना। जब रैंडम इतना आ गया, इसको मैं कुछ इस तरह से कहता हूँ कि हद तय करना आ जाता है, हद, है ना, लिमिट कर देना किसी चीज़ को, हद तय करना आ जाता है बेहद करने की गलती से। जब कोई चीज़ हम बेहद कर देते हैं ना, एक्सेस कर देते हैं, तब मालूम चलता है कि इतना नहीं करना था,
है कि नहीं, तब हद अपने आप हद तय करना आपको आ जाता है, वरना हम कहते रहेंगे कि अरे इसको हद में रखो भाई, इतना मत उससे लोगो, इतना मत दोस्ती करो, या इतना मत मिलो उससे जाके, है ना, या इतना मत खाओ ये चीज, है ना। हम अगर सामने वाले को सलाह देते हैं कि अरे हद में रहो यार, हद में खाओ इस चीज को, है कि नहीं, तो उनको अपने आप आ जाता है। जब वो बेहद करने की गलती कर देते हैं ना, कोई चीज बेहद कर देते हैं और उसका नुकसान झेलते हैं, तब समझ आता है अरे नहीं यार, इसे तो इतना ही करना था। तो वही कंसेप्ट यहां भी है। अभी हम लय को रैंडम कितनी भी स्पीड में ले जाएंगे, अनलिमिटेड बेहद, उसको बेहद करेंगे, है ना, और कोई मापदंड नहीं लगाएंगे। फिर अपने आप उसको जब मैं मापदंड में डालने को कहूंगा तो आपके लिए मुश्किल नहीं पड़ेगी, आप मुझ के करके बताएंगे। मैं सिर्फ कंसेप्ट दूंगा कि चलो अब एक मात्रा में दो बोल आने चाहिए, तो आप सारी तालों की दोगुन मुझे सुना दोगे, है ना। मैं कान उल्टे पकड़ता हूं जरा,